सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 6 बेस्ट 108 मेगापिक्सल कैमरा मोबाइल अंडर 15,000। तो दोस्तों, आपको अगर चाहिए 108 मेगापिक्सल का 5G कैमरा डिवाइस तो वीडियो में बने रहना। इस वीडियो में मैंने 4 ऐसे डिवाइस के बारे में फुल डिटेल्स में बात किया है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे इन तक जरूर देखना। और आप अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फीचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के इस लिस्ट की जो सबसे पहले डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये डिवाइस होने वाले आईटेल की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस आईटेल S24, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें इसके लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको रियर पे राउंड शेप पे कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, जहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप मिलने वाले, प्लास्टिक बैक होगा प्लास्टिक फ्रेम के साथ। और एक काफी अच्छी बात है, इस डिवाइस की बैक पैनल की कलर ऑटोमेटिक चेंज होने वाला है। हाँ दोस्तों, कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो इस प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छी बात है। वहीं पे बात किया जाए इस डिवाइस की वेट की, तो यहाँ पे आपको 192 ग्राम वेट होने वाला है। डिवाइस की थिकनेस है 8.3 mm। तो लुकिंग वाइज ये डिवाइस काफी अच्छा होने वाले। वहीं पे बात किया जाए डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.6 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले मिलने वाले, जहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट मिलेगा विथ 480 निट पिक ब्राइटनेस। और दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलने वाले 720x1612 पिक्सल रेजुलेशन। तो डिस्प्ले भी प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक सा है। वहीं पे बात करें कैमरा सेटअप की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जब पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 0.08 मेगापिक्सल का एक ऑक्सिलरी लेंस भी मिलेगा। वहीं पे बात किया जाए फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। बात किया जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे दिया गया है मीडियाटेक हीलियो G91 अल्ट्रा चिपसेट, जो एक 4G चिपसेट है, मतलब ये डिवाइस 4G के साथ आने वाला है। बात किया जाए रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 8GB रैम 128GB रोम मिलेगा, जहाँ पे आप रैम को 16GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। डिवाइस को पावर देने के लिए इस डिवाइस पे आपको 5000 एमएच का लार्ज बैटरी मिलेगा, जिसको चार्ज करेगा 18 वाट की फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों, वहीं पे सिक्योरिटी पे इस डिवाइस पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये तो होगा इसकी सभी मेन फीचर। आप बात कर लेते हैं इसकी सभी छोटी मोटी फीचर के बारे में, तो यहाँ पे आपको 3.5 mm जैक मिलेगा। उसके साथ साथ ये डिवाइस रन होने वाला है एंड्रॉइड 13 पर। हाँ दोस्तों, एंड्रॉइड 14 होता तो और भी अच्छा होता, पर बजट सेगमेंट के हिसाब से ये भी ठीक ठाक सा है। तो दोस्तों, यही सब कुछ मिलने वाला है इस डिवाइस पे। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक ही ब्रांड मिलने वाला है 8GB 128GB, जिसके करंट टाइम पे प्राइस 11,000 आपको दिख रहा है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस अंडर 10,000 आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छा सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते हो। तो ये डिवाइस होने वाला है पोको की तरफ से, पोको M6 प्लस। तो दोस्तों, इसके लुक एंड डिजाइन की बात करें तो एक काफी प्रीमियम सा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है ग्लास बैक डिजाइन। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको ग्लास बैक डिजाइन मिलेगा, रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, प्लास्टिक फ्रेम होगा। और उसके साथ साथ इस डिवाइस की जो वेट है वो 205 ग्राम होने वाला है। तो डिवाइस थोड़ा सा हैवी है, पर यहाँ पे आपको ग्लास बैक मिलता है, तो काफी प्रीमियम सा एक लुक देगा, इन हैंड फील काफी अच्छा देगा। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.79 इंच का फुल HD प्लस लार्ज डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। हाँ दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा, जो इस प्राइस पॉइंट में काफी कम देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 550 नेट पिक ब्राइटनेस मिलेगा। तो ब्राइटनेस के मामले में ये डिवाइस थोड़ा सा पीछे है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला 1080x2460 पिक्सल रेजुलेशन। ग्लास की प्रोटेक्शन पे इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको 5 की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी थोड़ा सा पीछे है, पर 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों, नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस के कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी मिलेगा। मेन कैमरा से आप 1080 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। तो दोस्तों, कहने को तो यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, पर उससे 2K या फिर 4K वीडियो आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। उसके साथ साथ सेल्फी कैमरा की बात किया जाए, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 13 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा, जिससे भी आप 1080 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो।
तो दोस्तों ये तो गया इसके कैमरा के फीचर, अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 AE 5G चिपसेट जो 4nm पे बेस है और इसके एंटूटू स्कोर 4 लाख के ऊपर है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये काफी अच्छा और पावरफुल सा एक डिवाइस है, इस पे आप गेम भी अच्छी तरीके से खेल सकते हो। रैम रोम पे आपको यहाँ पे दो वेरिएंट मिलेगा, 6GB 128GB और 8GB 128GB। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 5030mAh का लार्ज बैटरी मिलने वाला है, जहाँ पे आपको 33W की फास्ट चार्जिंग मिलेगा। इस डिवाइस के अदर फीचर की बात करें तो सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, NFC नहीं मिलेगा और ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 पे रन होने वाले है। तो दोस्तों डिवाइस फीचर काफी शानदार है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इस डिवाइस के आपको दो वेरिएंट मिलने वाला है, 6GB 128GB जिसके करंट टाइम पे प्राइस 13,000 है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो अंडर 12,000 आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। और जो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी करंट टाइम पे प्राइस 14,500 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो दोस्तों ये डिवाइस है Redmi की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Redmi Note 13 5G। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को डिटेल्स में जान लेते। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहाँ पे बैक कंप्लीट की ग्लास की होने वाला है। इस डिवाइस की वेट ओनली 174 ग्राम है, ग्लास बॉडी के साथ भी काफी हल्का, इन हैंड फील काफी अच्छा देगा। वो मैं बात करें इस डिवाइस की डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंचेस का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 1 बिलियन कलर मिलेगा इस डिस्प्ले के। और डिस्प्ले को स्मूथ करने के लिए यहाँ पे आपको मिलने वाले 120Hz के रिफ्रेश रेट, जो डिस्प्ले को काफी स्मूथ कर देगा। आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले 1000 nits पीक ब्राइटनेस, जो काफी अच्छी बात है। डिस्प्ले को सेफ रखने के लिए यहाँ पे दिया गया कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, जो भी काफी अच्छी बात है। और दोस्तों बात करें इस डिवाइस के कैमरा की, तो रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी दिया गया है। वह भी बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिसे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है MediaTek Dimensity 6080 5G चिपसेट, जो 6nm पे बेस है। इस डिवाइस के आपको 3 RAM ROM वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे फर्स्ट 6GB 128GB 8GB 256GB 12GB 256GB। तो रैम रोम वेरिएंट काफी ज्यादा मिलने वाला है। बात किया जाए इस डिवाइस की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 5000mAh का लार्ज बैटरी विथ 33W फास्ट चार्जिंग। डिवाइस की सिक्योरिटी पे यहाँ पे आपको मिलने वाला है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 3.5mm जैक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर की सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, सिंगल स्पीकर ही मिलेगा। ये डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 13 और MIUI 14 पे। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको IP54 की डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ की सपोर्ट भी दिया गया है। तो दोस्तों ये तो गए इसकी सभी फीचर, अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसकी जो 6GB+128GB वाला वेरिएंट है, उसके करंट टाइम पे प्राइस 17,000 to 18,000 के अंदर फ्लैक्चुएट हो रहा है। उसके साथ साथ 8GB+256GB का जो प्राइस है वो 19,000 है, और 12GB और 256GB का प्राइस अभी करंट टाइम पे 21,000 के आसपास है। पर मैक्सिमम टाइम बेस वेरिएंट पे यहाँ पर 1,000 या 1,500 इसके आसपास डिस्काउंट मिल जा रहा है। डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 16,000 के आसपास आ रहा है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी वेरिएंट को चूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस है Realme की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Realme 11 5G, जो एक काफी शानदार सा डिवाइस है। तो बात करें इसके लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको बैक पे राउंड शेप पे कैमरा मॉडल मिलेगा, प्लास्टिक बैक होगा, उसके साथ साथ एल्यूमिनियम फ्रेम में मिल जाएगा। डिवाइस की वेट है 190 ग्राम, जो काफी हल्का है। तो लुक एंड डिजाइन Realme 11 सीरीज की सभी डिवाइस की सेम ही रहता है, सिर्फ कलर में थोड़ी बहुत चेंजेस
आता है। तो दोस्तों बात करें इस डिवाइस के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.72 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 550 नेट पीक ब्राइटनेस की सपोर्ट भी दिया गया है, जहाँ पे आपको 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलने वाले 20:9 रेशियो के साथ। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी काफी तगड़ी है। और दोस्तों बात करें इस डिवाइस की कैमरा की, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिसकी मदद से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों बात किया जाए इस डिवाइस की फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है, इससे आप काफी अच्छी क्वालिटी का फोटो और वीडियो निकाल सकते हो। और दोस्तों बात किया जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस 5G चिपसेट। ये डिवाइस 5G के साथ आने वाले है। बात किया जाए रैम और रोम की, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे बेस वेरिएंट पे 8GB रैम 128GB रोम मिलेगा, उसके साथ साथ 8GB रैम और 256GB रोम और एक दूसरे वेरिएंट पे मिलने वाला है। और दोस्तों मुझे सबसे अच्छी लगी इस डिवाइस के, इस डिवाइस पे आपको मिलने वाले 5000mAh का लार्ज बैटरी विथ 67W फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों इस डिवाइस पे आपको 67W की चार्जिंग मिलने वाला है, जिसके मदद से आप 0-50% चार्ज सिर्फ 17 मिनट पे कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। वहीं पे इस डिवाइस पे सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है। ये डिवाइस रन होने वाले Realme UI 4.0 और Android 13 पे। इस डिवाइस पे आपको डुअल सिम की सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है, उसके काइंड टाइम पे प्राइस 17,000 है, पर यहाँ पे मैक्सिमम टाइम 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसके प्राइस 15-16,000 के अंदर रहते हैं। तो इस प्राइस पर भी आप अगर पाते हो तो काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप इसे जरूर ले सकते हो। वहीं पे बात करें दूसरे वेरिएंट की 8GB प्लस 256GB, उसकी काइंड टाइम पे प्राइस 19,999 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाय कर सकते। तो ये डिवाइस होने वाले पोको की तरफ से पोको X6 न्यू, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैक के साथ प्लास्टिक फ्रेम मिलने वाला है। डिवाइस की वेट 175 ग्राम है, काफी हल्का है। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको IP54 की रेटिंग भी मिलने वाला है। तो डिवाइस काफी हल्का है, इन हैंड फील काफी अच्छा देगा। बात करें डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर मिलेगा। वहीं पे आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, तो डिवाइस काफी स्मूथ होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 1000 नीट पीक ब्राइटनेस की सपोर्ट भी दिया गया है, तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्प्ले काफी तगड़ी है, गेमिंग या फिर कंटेंट कंज्यूम के लिए काफी अच्छा होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिलने वाला है। और मैं बात करें इस डिवाइस के कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 5G चिपसेट, जो 6nm पे बेस है, जिसकी एंटीटू स्कोर 450,000 के आसपास है। तो परफॉर्मेंस वाइज भी काफी अच्छा सा एक डिवाइस है। रैम रोम की बात करें, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिलने वाला है 8GB 128GB 12GB 256GB UFS 2.2 टाइप के। डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिलने वाला है विथ 33W फास्ट चार्जिंग। तो दोस्तों ये तो गया इसकी सभी मेन फीचर। अब बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर के बारे में। तो सिक्योरिटी पे यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलने वाले 3.5mAh मिलेगा, NFC इस डिवाइस पे आपको नहीं मिलेगा।
आउट ऑफ द बॉक्स ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 पर रन होने वाला है। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर, आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे आपको दो ब्रांड मिलेगा, जहाँ पे बेस ब्रांड 8GB 128GB के जो प्राइस है वो 15,000 है, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 14,000 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। वह बात करें 12GB 256GB का प्राइस के बारे में, तो उसकी करंट टाइम पे प्राइस 17,000 है, सेम डिस्काउंट यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। तो ये डिवाइस आता है इनफिनिक्स की तरफ से, इनफिनिक्स नोट 35G। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे एक एक करके सभी फीचर को इसकी जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.78 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले विथ 120Hz रिफ्रेश रेट, जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108MP प्लस 2MP प्लस आपको एक AI लेंस मिल जाएगा। वही पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 16MP का फ्रंट कैमरा। दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 5000mAh का लार्ज बैटरी विद 45W फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों, एक घंटे पे आप आपकी बैटरी को फुल चार्ज कर सकते हो। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात, इस मोबाइल का आपको मिलने वाला है डुअल स्पीकर विद JBL ट्यूनिंग। हाँ दोस्तों, इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफी शानदार होने वाली है। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है Dimensity 6080 5G चिपसेट, जो 6nm बेस है। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे आपको मिलने वाला है 14 5G बैंड, जो इस मोबाइल को काफी अच्छी बना देता है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में कोई भी आपको 14 5G बैंड प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इन्फिनिक्स की इस डिवाइस पे आपको मिल रहा है सिर्फ। और दोस्तों बात करो रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे 4GB प्लस 128GB यहाँ पे एक वेरिएंट होगा, जिसकी प्राइस 14,500 है। और दोस्तों जो दूसरी वेरिएंट है वो है 8GB प्लस 256GB, जिसकी प्राइस यहाँ पे आपको 15,500 मिलेगा। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप 1,000 ज्यादा देके जो हायर वेरिएंट है वो ही लेना, वो आपको अच्छा मिलेगा। और दोस्तों आप अगर कोई भी सेल पे इसे बाय करते हो, तो यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा डिस्काउंट मिल सकता है। ये जो डिवाइस है 14,000 के अंदर आता है कोई भी सेल पे, तो फ्लिपकार्ट की कोई भी सेल पे आप अगर इसे बाय करते हो, तो ये सबसे वैल्यू फॉर मनी डिवाइस बन जाएगा इस प्राइस पॉइंट के अंदर।